हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 23 और 24 दोनों दिनों की बात करेंगे, जो कि आज की हमारी द हिंदू न्यूज एनालिसिस है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज के जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, अगर उसको हम एक बार देख रहे हैं तो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन एक बन सकता है। तो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में समझे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ये CBFC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चर्चा में क्यों आ गया है, सभी जानते हो कि बहुत सारी फिल्मों में UA लिखा होता है, A लिखा होता है, S लिखा होता है, लेकिन इस सबके मतलब क्या होते हैं। और अभी एक फिल्म आ रही है हमारे 12, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है, हाईकोर्ट ने भी कुछ कहा है, इसमें केंद्रीय फिल्म बोर्ड का कहां इसका रोल आ गया है सामने, इसको हमें समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी होगी अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला क्या होगा इसको देखेंगे, फिर होगी घग्गर नदी और गैस फ्लेयरिंग क्या है, गैस फ्लेयरिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो आज हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में दोस्तों को मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नाम है नट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा एंड्रॉइड ऐप है जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में नट लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम्स की है, UPSC स्टेट PCS प्रीलिम्स की सभी एग्जाम्स की है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं वर्धा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, और ये अभयारण्य में आप हिरण की फोटो देख पा रहे होंगे, चर्चा में क्यों है। तो गुजरात में वन विभाग ने गिर वन से चित्तीदार हिरण और सामर को वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है, इससे एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर गिर में तो एशियाई शेर पाए जाते हैं, किसमें, गिर जो वन है, याद रखिएगा कहां पर है, सबसे पहले समझना है गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गिर वन आए एग्जाम में बता सकते हो गुजरात राज्य में है, और वहां पर जो एशियाई शेर है, याद रखिएगा एशियाई जो शेर है उन शेरों के लिए संरक्षण मिल सके, शेरों को दीर्घ काल तक एक लंबे समय तक उनको अच्छे तरीके से रखा जा सके, इसके लिए यहाँ पर हिरण को और सामर को रखा जा रहा है, क्योंकि भैया जब वो रहेंगे खाने पीने के लिए तो शेर की चाहिए ना, इसीलिए उनको स्थानांतरित किया जा रहा है हिरण और सामर को, और कौन से चित्तीदार हिरण सामर को किया जा रहा है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, यह गुजरात राज्य में स्थित है जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर एक नदी है कौन सी, बिलेश्वरी नदी, और एक है जोगरी नदी। जो बिलेश्वरी और जोगरी नदियां हैं ये दो बांध, खाबला बांध और फुड़ारा बांध, ये दो बांध वहां पर स्थित है, एक खंबाला बांध है और एक फुड़ारा बांध है, और बिलेश्वरी नदी और जोगरी नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये दोनों नदियां और दोनों बांधों को लिख लो, नोट कर लो आप लोग। इस क्षेत्र में मालधारी, भरवाड़, रबारी और गढ़वी जैसी जातियां नस्लें रहती हैं। वर्धा को एशियाई शेरों के दूसरे आवास के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि गुजरात सरकार के द्वारा 1979 में गिर वर्धा परियोजना को लागू किया गया था। तो राज्य सरकार ने यहां पर किया था एशियाई शेरों के दूसरे आवास के रूप में विकसित किया था, और आपको पता होगा आज के टाइम में जो एशियाई लॉयन है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वनस्पतियों की जो प्रजाति है बहुत ही विविध प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिनमें औषधीय पौधे भी शामिल है, ध्यान रखिएगा ऐसे पौधे हैं जो औषधि पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर औषधि के काम बहुत ज्यादा आते हैं। अभ्यारण्य में लगभग 650 पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें रायन, बबलू, बबूल, बेर, जामुन, अमली, गोरद, बांस, धब और धुंधलो इत्यादि यहाँ की पौधों की प्रजातियां पाए जाते हैं। ये जो पौधों की प्रजातियां हैं ये प्रमुख तौर पर एग्जाम में आती हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। जीव जंतु, अगर हम यहाँ के जीव जंतु की बात करें तो तेंदुआ, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, भेड़िया, शियार, नीलगाय, दुर्लभ और लुप्त प्राय चित्तीदार चील, क्रेस्टेड हॉक ईगल इत्यादि यहाँ के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। एशियाई शेरों के मुख्य तत्वों को थोड़ा सा देखते हैं तो यह गुजरात के गिर भूदृश्य में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं। एशियाई शेरों का अगर वैज्ञानिक नाम की बात किया तो पैंथेरा लियो पेरसिका इसका वैज्ञानिक नाम है, और भारत में पाए जाने वाले 5 पैंथराइन बिल्लियों में से एक इसको जाना जाता है। संरक्षण की अगर हम बात करें इसके,
आयुषियन की जो रेड डाटा बुक होती है, कौन सी? रेड डाटा बुक में संकट ग्रस्त में इसको सूचीबद्ध किया गया है। और भारत की वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची एक में इसको सूचीबद्ध किया गया। और अगर सिटीज में देखा जाए तो परिशिष्ट एक में भी इसको रखा गया है। तो ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखो, आयुषियन की रेड डाटा बुक की बात आ जाए तो रखो, भारत की वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का डेटा आ जाए उसको रखो, और सिटीज इसको आप लोग रखिए ध्यान। तो इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं और बताना भी आपको पड़ता है। तो हमने वर्धा वन जीव अभयारण्य के बारे में बात की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इसको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, ये जो आ लिखा है या फिर यू लिखा है इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब तो समझेंगे तब जब आपको इसके बारे में पता होगा, तो हम देख लेते हैं। लेकिन जल्दी से आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐप आ चुका है एंड्रॉइड ऐप, उसको डाउनलोड एक बार कर लीजिए, नेट लर्निंग ऐप इसका नाम है। टेस्टी PDF, अगर आपको PDF भी डाउनलोड करना है ना तो आप लोग यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 क्या है, हमारे 12 को दिए गए CBFC प्रमाणन को रद्द करने की मांग वाली जो रिट याचिका है उस पर विचार करने से इनकार कर दिया। किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे 12 फिल्म के लिए कि जो CBFC फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसको रद्द करने की मांग आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को लेने से या विचार करने से मना कर दिया। अब केंद्रीय फिल्म बोर्ड के बारे में समझते हैं कि रद्द करने की घोषणा इसको की गई है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में आ गया और अब इससे एग्जाम बन सकता है। समझते हैं CBFC के बारे में, अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना CBFC का है तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। CBFC जिसे सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको ज्ञात है। यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, क्या करता है? रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा, रेगुलेट ये करता है। अब ये रेगुलेट करता है तो क्यों करता है? क्योंकि यहां पर जो सार्वजनिक रूप से फिल्मों का प्रदर्शन होता है, अब कैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं, किस उम्र के लिए, तो ये सारी चीजों का यहाँ पर ये रेगुलेट करता है। CBFC के द्वारा जो प्रमाणित कोई फिल्म हो जाती है उसके बाद फिल्मों को भारत में सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक, जो आप थिएटर में देखते हो ना, पब्लिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर CBFC के द्वारा अगर किसी फिल्म को नहीं मिलता है, प्रमाणित नहीं, प्रमाणन होके नहीं मिलता है, तो उस फिल्म को यहाँ पर लागू प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसको प्रमाणित कर देता है, उसके बाद यह सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है। प्रमाणन की जो प्रक्रिया है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 और केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इसका किया जाता है। अब जो हमारे द्वारा मूवी थी ना, इस पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने क्या दिया था, प्रमाणित कर दिया था कि भैया आप इसको चला भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उसकी तारीख भी आप लोगों को थिएटर में देखने को मिल जाती है। लेकिन इतना विरोध हुआ, इतनी याचिकाएं आई कि उसको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा था, तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका लेने से इनकार कर दिया था। CBFC में कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होता है और अन्य 12 से कम नहीं होते हैं, लेकिन 25 से भी अधिक नहीं होते हैं। सदस्यों की बात कर रहा है कि एक तो अध्यक्ष होगा, कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 12 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक की बात करें तो 25 सदस्य इसमें हो सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सभी सदस्यों की नियुक्ति इसमें की जाती है और इसका मुख्यालय मुंबई स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, कितने? 9 क्षेत्रीय कार्यालय में है, जिनमें एक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, गुवाहाटी में स्थित है। तो आप देखोगे तो भारत के पूरे राज्य में कहीं ना कहीं एक एक राज्यों में आसपास में सभी जगह इसके स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाहकार पैनल के द्वारा फिल्मों की जांच में सहायता प्रदान की जाती है। पैनल के सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को चुनकर नामित किया जाता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, जो विभिन्न क्षेत्र के सदस्य हैं उनको यहाँ पर अब 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति की जाती है। फिल्म प्रमाणन की कुछ श्रेणियां हैं जो मैं आपसे बता रहा था, यू नाम आता है, UA नाम आता है, ए नाम आता है और एस नाम आता है। अब इनका एक एक करके हम आधार समझते हैं। फिल्मों की विषय वस्तु के आधार पर 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि यू का मतलब यूनिवर्सल है, सभी आयु वर्ग के दर्शक यू प्रमाणित फिल्मों को देख सकते हैं।
किसी भी आयु वर्ग के दर्शक को अपने फिल्मों को देख सकते हैं, जिसमें यू लिखा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें देखो यू लिखा है ना, इसमें यू लिखा है। इस तरीके की फिल्मों को सभी दर्शक देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यू अपॉन ए, यू डैश ए लिखा होता है। हालांकि ये फिल्में सार्वभौमिक हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वयस्कों को देखरेख में ही इनको देखना पड़ता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से सार्वजनिक रूप से तो ये दिखा सकते हो सभी को, लेकिन अगर किसी की उम्र 12 साल से कम है तो यह अपने पेरेंट्स या फिर किसी के गार्जियंस की देखरेख में ही ऐसी मूवी को देखेंगे। एक होता है लिखा आता है ए, केवल वयस्कों के सामने प्रदर्शन के लिए इसको रखा जाता है, तो केवल इसको वयस्क ही फिल्में देख पाते हैं। एक होता है एस, जिसको एस साइन होता है, इसमें डॉक्टर और किसान जैसे विशेष वर्ग के लिए फिल्मों का आयोजन किया जाता है। अब एस का मतलब क्या होता है, तो एक तो होता है स्पेशल और एक होता है साइंटिस्ट। तो एक तरीके से एस को डॉक्टर और किसान के लिए, ए का मतलब होता है एडल्ट, ध्यान रखिए ए का मतलब होता है एडल्ट। और यू ए, तो इस यू ए है तो सार्वजनिक सार्वभौमिक फिल्म है, लेकिन इसको गार्जियंस की देखरेख में 12 साल से कम बच्चा देखेगा। और यू तो यूनिवर्सल है, सभी लोग इसमें देख सकते हो। तो फिल्म प्रमाणन की भी चार श्रेणियां हैं, अगर एग्जाम में कभी आता है तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि जब भी कोई चीज चर्चा में बहुत ज्यादा होती है तो उससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सामने होता ही होता है। इसके मुख्य प्रावधान की बात करें, ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रिया को अपनाना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा प्रावधान है फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समय सीमा में कमी करना और सभी लेन देन संबंधी समय को समाप्त करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना इसका दूसरा प्रावधान है। फिल्में या फिर फीचर फिल्मों में विकलांग व्यक्तियों मतलब कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी बनाने के लिए सुलभता और सुविधाएं इसमें होनी चाहिए, ऐसा भी इसमें कहा गया है। आयु आधारित प्रमाणन की बात की गई है, मौजूदा यूए श्रेणी को 12 वर्षों की बजाय 3 आयु आधार श्रेणियों में उपविभाजित किया गया है। आयु श्रेणियों की बात किया है तो 7 वर्ष जिसमें यूए 7 प्लस होगा, 13 यूए होगा और 16। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगा तो ऐसा लिखा होता है ना, और ऐसी तरीके से इसमें लिखा होता है, क्योंकि अब इनको कहा जा रहा है कि जो यूए होगी इसमें प्रमाणित किया जाएगा कि किस श्रेणी के इसमें बच्चों को देखने की छूट है। तो ऐसी फिल्मों को यू अपॉन ए में 3 श्रेणियों में विभाजित इसको किया गया है। सीबीएफसी बोर्ड और सीबीएफसी के सलाहकार पैनल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व जहां तक निर्धारित हो वहां तक इसका किया जाता है। बोर्ड में 1/3 सदस्य महिलाएं होनी ही चाहिए, अधिमानता आधी महिलाएं यहां पर सामने देखने को मिलती हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 12 सदस्य होंगे, हम मान के चल रहे हैं 12 ही सदस्य हैं, तो 12 सदस्यों में कम से कम देखोगे आप तो कम से कम 6 महिलाएं यहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी यहां पर प्रक्रिया भी सामने आती है। अंबुबाची मेला, अब ये अंबुबाची मेला कहाँ का है, तो ये असम राज्य संबंधित है और आपको पता होगा असम में एक मंदिर है, माँ किसका मंदिर है, ये कामाख्या मंदिर है, किसका, माँ कामाख्या का मंदिर है। अंबुबाची मेला उसी से संबंधित है। अब इसको पूरा मामले को समझते हैं, तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में एक वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन 22 जून से लेकर 26 जून तक किया जाएगा। अब ये इतना चर्चा में क्यों है, तो अंबुबाची का जो अर्थ है पानी से बोला गया शब्द, और इसका यह भी अर्थ है कि इस महीने में होने वाली बारिश धरती को उपजाऊ एवं प्रजनन के लिए तैयार करती है। तो अंबुबाची का अर्थ ये कई बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप उसमें बता सकते हो। अंबुबाची मेला के बारे में समझें तो अंबुबाची मेला पूरी भी भारत मुझे ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े मेलों में से एक जाना जाता है। यह कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, हर साल इसको जून में महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह तपस्या एक का एक अनुष्ठान भी है, वहां पर एक तपस्या की जाती है, उस तौर पर एक अनुष्ठान के रूप में इसको देखा जाता है। शक्ति अनुष्ठानों के साथ इसको मनाया जाने वाला एक त्यौहार के रूप में इसको जाना जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या माँ शाक्त धर्म का प्रतीक है। अगर कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो जो असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है वो शाक्त धर्म का प्रतीक है। हिंदू माए अषाढ़ के 7वें से 10वें दिन तक अंबुबाची अवधि के दौरान मंदिर के दरवाजे सभी तरह के बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा मान्यता प्राप्त है कि जो कामाख्या माता का मंदिर है इस मंदिर में एक समय है होता है अषाढ़ का महीना हिंदू धर्म के अनुसार 7वें से 10वें दिन तक उस मंदिर को दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो माँ देवी कामाख्या है वो मासिक धर्म के चक्र से गुजर रही होती है, तो इसीलिए वहां के पट जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं।
बारहवें दिन दरवाजे औपचारिक रूप से खोले जाते हैं और उस दिन मंदिर परिसर में एक बड़ा मेला लगता है, उसी को हम अम्बुबाची मेला के रूप में जान रहे हैं। तो अम्बुबाची मेला अगर अभी आए एग्जाम में तो आप लोग आराम से बता सकते हो। अम्बुबाची का अर्थ पानी से बोला गया शब्द, इसका यह भी होता अर्थ होता है कि इस महीने में होने वाली बारिश धरती पर उपजाऊ एवं प्रजनन करने के लिए तैयार होती है। इस अवधि के दौरान दैनिक पाठ पूजा बंद कर दिए जाते हैं और सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई जुताई बुवाई फसलों की रोपाई वर्जित कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता बताया है कि जो दरवाजे हैं माँ कामाख्या देवी मासिक धर्म से गुजर रही होती है, तो ऐसी वहां पर मान्यता है कि सभी चीजों को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। जो दैनिक पूजा पाठ है बंद कर दी जाती है, जुताई बुवाई खुदाई फसलों की रोपाई भी वर्जित कर दी जाती है। और उसके बाद जब बारहवें दिन खोले जाते हैं तो यहाँ पर एक हर्ष और उल्लास के साथ मेले का आयोजन किया जाता है और फिर यहाँ पर कृषि कार्य में भी लोग जुट जाते हैं। तो कहा जाता है कि धरती उपजाऊ और प्रजनन हो गई है, तो इसीलिए अम्बुबाची मेला इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर से विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक। अब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक क्या है? ओसीआई, जिसको आप लोग समझते हो ओसीआई, और ये अभी चर्चा में क्यों आ गया इसके बारे में समझते हैं। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप अभी तक डाउनलोड आप लोगों ने किया तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओसीआई के बारे में समझे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फ्रांसीसी पत्रकार सेबेस्टियन फ्रांसिस के पत्रकार परमिट को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि सेबेस्टियन फ्रांसिस ओसीआई कार्ड धारक है और केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, इनके नवीनीकरण करने से मना कर दिया, मतलब कि रिन्यूअल करने से मना कर दिया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। कौन होते हैं विदेशी भारतीय कार्ड धारक, अब इसके बारे में समझते हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में दीर्घ अवधि तक, मतलब की लॉन्ग टाइम, ऐसा टाइम लॉन्ग टाइम के लिए वीजा मुक्त यात्रा करने और ठहरने की सुविधा होती है। याद रखिएगा, जो वीजा होते हैं बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं और भारत में ठहर भी सकते हैं, मतलब कि रुक सकते हैं। कई विशेष अधिकार इनको प्रदान कर दिए जाते हैं। आमतौर पर किसी भारतीय किसी विदेशी नागरिक को यह नहीं दिए जाते, ध्यान रखना है, जिनका संबंध भारत से होता है भविष्य पूर्व में उन्हीं को यह दिए जाते हैं, किसी विदेशी नागरिक को यह प्रदान नहीं किए जाते। ओसीआई कार्ड के लिए पात्रता क्या है, ये पात्रता समझ लो आपको सारे क्वेश्चन डाउट दूर हो जाएंगे। तो गृह मंत्रालय के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक निम्नलिखित परिस्थितियों में से ओसीआई कार्ड को धारक के रूप में पंजीकृत के लिए पात्र हो सकता है। कौन हो सकता है, जिसका 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, या याद रखिएगा 26 जनवरी डेट इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, या 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, या इस क्षेत्र से संबंधित था, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, या ऐसे नागरिक का बच्चा पोता परपोता या ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा, या कोई विदेशी नाबालिग बच्चा जिसके दोनों माता पिता भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से कोई भारत का नागरिक था, उन्हीं को ओसीआई कार्ड धारण किया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी एक फॉर्मूला है, उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 के समय उसके बाद भारत का नागरिक अगर वो था तो उसको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत में नागरिक बनने की अगर योग्यता रखता था उसको यह कार्ड मिल जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा कोई भी क्षेत्र बना है तो, या फिर उसके नाबालिग बच्चे हो पोता हो परपोता हो तो उनको यह ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा विदेशी नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा है या है तो उनको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। अब लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक ऐसा फॉर्मूला है, बताते हैं। भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी अथवा ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी जिसका विवाह पंजीकृत हो चुका हो आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की निरंतर अवधि तक जीवित रहा हो उसको भी ओसीआई कार्ड के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र माना जाएगा। तो यहाँ पर विदेशी मूल के जीवन साथी को भी पंजीकरण दिया जा सकता है। ओसीआई कार्ड के लिए कौन पात्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं या फिर रहे हैं उनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे किसी अन्य देश के बारे में केंद्र सरकार ने विशिष्ट निर्देश दे दिए हो जहां के नागरिक ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकते उनको ओसीआई कार्ड के रूप में पंजीकृत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको पात्रता नहीं मानी जाएगी।
उसे कर धारक प्राप्त अधिकार, अगर किसी को उसे कर मिल जाता है तो उसको कुछ अधिकार तो मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे? तो भारत के लिए बहु प्रवेश, मतलब कि मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हो, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा मिल जाता है, याद रखिएगा, मल्टीपल एंट्री मिल जाती है, जो एंट्री है मल्टीपल मिल जाती है, साथ ही में जो आजीवन लाइफ टाइम, कैसा लाइफ टाइम क्या मिल जाता है, वीजा मिल जाता है, लाइफ टाइम को वीजा भी यहां पर मिल जाता है। हालांकि इन्हें भारत में शोध कार्य के लिए भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, अगर कोई इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो फिर इनको अनुमति लेनी पड़ेगी। कृषि और बागान पर संपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर, कृषि और बागान की एग्रीकल्चर, सीधी बात समझो, एग्रीकल्चर से संबंधित संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक हर सुविधाएं इनको मिलने का बराबर का हकदार होगा, तो कृषि कार्य में नहीं कर सकते, ये अधिग्रहण के लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी आज की अंतिम की बात करते हैं, गैस फ्लेयरिंग क्या है। अब जो आप गैस फ्लेयरिंग समझ रहे हो और किस देश में ये चर्चा का विषय बना है समझते हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में गैस फ्लेयरिंग की मात्रा 9 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़कर 148 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है हो गई, और 2019 के बाद इसका उच्चतम स्तर देखने को मिला है। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। कहा गया है कि 2023 में 9 मिलियन क्यूबिक से बढ़कर 148 क्यूबिक मिलियन मीटर हो चुकी है, और 2019 की बात कर रहा है तो इससे और भी ज्यादा बढ़ चुका है। गैस फ्लेयरिंग के बारे में, तेल निष्कर्षण से जुड़ी प्राकृतिक गैस को जलाना, जो तेल निष्कर्षण, तेल को हम निकालते हैं फिर उससे जुड़ी जो प्राकृतिक गैस होती है उसको जलाने से संबंधित ही गैस फ्लेयरिंग बारे में बता रहे हैं। यह प्रथा 160 वर्ष पूर्व तेल उत्पादन की शुरुआत से की गई थी। यह बाजार और आर्थिक बाधाओं से लेकर उचित विनिमय, मतलब कि रेगुलेशन, और राजनीतिक इच्छा शक्तियों की कमी तक कई मुद्दों के कारण होता है। फ्लेयरिंग और बूटिंग एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है, जिसका उपयोग या तो उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए या फिर बिजली पैदा करने के लिए इसका किया जाना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी सामने देखने को मिलती है। गैस फ्लेयरिंग क्यों की जाती है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आज भी जारी है जो भी, क्योंकि तेल के उत्पादन से आने वाली गैस के निपटान का एक अपेक्षाकृत सुरक्षित और हालांकि बेकार और प्रदूषणकारी तरीका है। ऐसा कहा जा रहा है, तेल जो हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन के जो निष्कर्षण होते हैं उस निष्कर्षण का जो हिस्सा होता है उसको जला देते हैं, उस जलाने से क्या होता है, निपटान हो जाएगा, अपेक्षाकृत सुरक्षित है लेकिन एक बेकार और प्रदूषणकारी तरीका है, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता देखने को मिलता है और प्राकृतिक साथ खिलवाड़ भी हम कर रहे हैं। पर्यावरण पर प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि बात सीधी से, कोई चीज को जलाएंगे तो पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा, क्या पड़ेगा? फ्लेयर के दहन से हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड साथ में पानी में परिवर्तित हो जाता है, जो जलवायु प्रभावों को कम करता है और स्थल पर प्राकृतिक गैस की सुरक्षा चिंताओं को कम कर देता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर NOx जिसको कहते हैं उसको पैदा कर देता है। यह हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड पानी तो परिवर्तित हो जाता है तो जलवायु प्रभाव को कम कर देता है, स्थल पर प्राकृतिक गैस की सुरक्षा को कम कर देता है, लेकिन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना उसको प्रभाव को बढ़ा देता है। अब इससे क्या होगा, तो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होती हैं और सीधे और अप्रत्यक्ष रूप में वायु गुणवत्ता को यह प्रभावित करती हैं, मतलब कि एयर क्वालिटी को यह सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। तो आज यहाँ पर मेरा जो कॉन्फ्रेंस था समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे आप लोगों से। वीडियो आप लोग पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नट लर्निंग है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप यहाँ पर वीडियो PDF और टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलता है, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपके लिए धन्यवाद, अलविदा।